नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज़ पर टोटके पर। बंधु, आज के वीडियो में बताएंगे आपको, यदि आपको लगता है कि आपका जो रिश्ता था किसी इंसान से, यानी कि आपको लगता है कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है आपके रिश्ते के बीच में, और उस तीसरे व्यक्ति के आने की वजह से आपका रिश्ता खराब हो गया है, पहले जैसा नहीं है या बिल्कुल ही बातचीत बंद हो गई है। तीसरा व्यक्ति जो है वो स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और रिश्ता जो है आपका प्रेमी प्रेमिका थे आप, या फिर पति पत्नी थे, या फिर कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का भी हो, और किसी तीसरे की वजह से वह सारा रिश्ता समाप्त हो गया है, और आप चाहते हैं कि उनमें से एक व्यक्ति जो आपका पहले जिसके साथ रिश्ता था वह वापस आपके पास आए, और जो तीसरा व्यक्ति बीच में आ गया है वह हमेशा के लिए चला जाए उसको छोड़ के। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको जैसा जैसा हम बताएंगे सिर्फ वैसा ही करना है, आपको बिल्कुल भी अलग काम नहीं करना है। इसमें सबसे पहले आप जिसको आप चाहते हैं अपने पास, पहले उसका नाम आना चाहिए जिसको आप अपने पास चाहते हैं, उसका नाम लिखेंगे। दूसरे रंग का कलम लेंगे, कोई सी भी रंग की ले सकते हैं कलम, इधर उसका नाम लिख देंगे जिसको आप नहीं चाहते अपने पास। इस व्यक्ति को इसकी ज़िंदगी से बाहर करना चाहते हैं आप, ताकि आपका प्यार वापस आपको मिल सके, जो भी रिश्ता है आपका। इस व्यक्ति की तस्वीर अगर है तो चिपका दीजिए यहाँ पे, नहीं है तो जैसा कि हम बताते हैं तस्वीर बनाइए खुद। खुद तस्वीर आप बनाएंगे, ठीक है। हमने तो जल्दी बना दिया, मगर आपको पूरा समय लेना है ये उपाय करते समय। 2-3 मिनट लीजिए ताकि आपके दिलो दिमाग मान ले कि यही है व्यक्ति, अगर तस्वीर नहीं है आपके पास चिपकाने के लिए तो। और दूसरे व्यक्ति की तस्वीर भी बनाएंगे, 2-3 मिनट लीजिए। किसी भी रंग की कलम का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फिर क्या करना होगा, इसी के बीच में, इन दोनों के बीच में पहले ये समझ लीजिए, ये जो उपाय हम बता रहे हैं आपको, ये उपाय आपको तभी लगेगा जब आपके ग्रह नक्षत्र इस उपाय के साथ सटीक बैठ जाएंगे, मैच कर जाएंगे। यदि नहीं तो आपको या तो बहुत ही कम लाभ मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, या फिर नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार हम आपको ऐसी समस्याओं के उपाय बताएं जो सिर्फ आपके लिए ही हैं, तो ये आप देख रहे हैं जैसे व्हाट्सएप होता है हर फोन में, ऐसे ये है एक एप्लीकेशन टेलीग्राम। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे अपने फ़ोन में, उसके बाद डाउनलोड करने के बाद ये सर्च दिख रहा है आपको यहाँ पे, सर्च में करेंगे, सर्च करेंगे कागज़ पर टोटके, हमारे ग्रुप का नाम है। ऐसे व्हाट्सएप पर ग्रुप होते हैं ऐसे ही इसमें, इसमें फ़ायदा है टेलीग्राम में, क्योंकि इसमें जितने मर्जी लोग आप ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने काफ़ी कुछ पहले से शेयर करा हुआ है, आगे भी करते रहेंगे। जिन जिन लोगों को लाभ मिलता है उनके भी हम नाम छुपा कर, उनका नाम छुपा देते हैं सब कुछ, और फिर उनके मैसेज दिखा देते हैं कि उनको कैसे कैसे लाभ मिला है। काफ़ी चीज़ें हैं जो यूट्यूब में हम शेयर नहीं कर पाते हैं, वह इसमें हम शेयर करते हैं। मगर जो सबसे बेहतरीन लाभ है वह ये है कि इस ग्रुप में जब आप ऐड कर लेंगे अपने आप को, इसमें फ़ायदा ये होगा कोई अन्य व्यक्ति आपका नंबर नहीं देख पाएगा ग्रुप का, ना ही आप किसी अन्य व्यक्ति का नंबर देख पाएंगे। लाभ ये होगा कि गोपनीयता बनी रहेगी, यानी कि प्राइवेसी बनी रहेगी। हमारा ग्रुप है इसलिए हमको पता चल जाएगा कि आपने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, तो हमारे पास आपका नंबर आ जाएगा, फिर हम आपको किसी भी दिन मैसेज कर देंगे, फिर आप हमको अपनी समस्या बता सकते हैं, व्यक्तिगत समस्या जो भी है, फिर हम आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार जो आपके लिए सबसे बेहतरीन उपाय होगा वह हम आपको बता देंगे। तो हमारे ग्रुप से जुड़ना है, 2 तरीके हैं ग्रुप से जुड़ने के। इसी वीडियो को के नीचे, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे एक लिंक दिखेगा आपको कागज़ पर टोटके ग्रुप का, उसको क्लिक करेंगे तो सीधा इस ग्रुप से जुड़ जाएंगे, या फिर डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सर्च में जाएं, टाइप करें कागज़ पर टोटके, ऐसा हमारा ग्रुप है, और ग्रुप की तस्वीर ऐसी है,
बड़ी समस्याओं के आसान उपाय, ये आपको दिख जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि हमसे जुड़ना है तो ऐसे ही जुड़िए। फिर जैसा हमने बताया इस उपाय में, जैसे कि बीच में लकीर डालने के बाद आपको दो ऐसे फल लेने हैं जिसके अंदर गुठली होती हो। आप देख रहे हैं, ये आड़ू कहा जाता है ना, आड़ू, आड़ू को ले सकते हैं आप, या आप छुआरे भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, जिसको खजूर कहा जाता है, खजूर भी ले सकते हैं, कोई भी ऐसा फल ले सकते हैं जिसके अंदर गुठली हो। एक इसके ऊपर रख देंगे, एक इसके ऊपर रख देंगे, गुठली होना आवश्यक है। फिर आप ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। अब आपको क्या करना है, चाहे तो आप बड़ा भी बना सकते हैं, हमने छोटा बनाया। अब इसके अंदर ऊपर वाले में आपको अपनी समस्या लिखनी है, जो आपकी समस्या है वे आप ऊपर लिखेंगे। समस्या क्या है, यही होगी ना कि इन दोनों की वजह से आपको समस्या हो रही है और ये व्यक्ति आ गया है बीच में, तो इस वजह से आपके रिश्ते को परेशानी का सामना करना पड़ा है। फिर नीचे वाले हिस्से में आप लिखेंगे कि आप परिणाम क्या चाहते हैं। अंदर लिखेंगे परिणाम, मतलब परिणाम नहीं लिखना है, परिणाम कैसा चाहते हैं वे लिखना है। पूरी हर एक एक बात इसमें लिखेंगे आप, मतलब ये लिखेंगे कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति से दूरियां बना ले, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, ताकि आपका जो रिश्ता है वह पहले जैसा हो जाए। ये सब आपको लिखना है इन दोनों के ऊपर रखने के बाद। तो इन दोनों के ऊपर जब आप रख देंगे, फिर ये जो ये आड़ू लिए हैं हमने, जरूरी नहीं है कि खराब हो जाए तो ही लेना है, ताज़ा भी ले सकते हैं आप। फिर इनका क्या करना है आपको, इन दोनों आड़ुओं को जो इसके ऊपर था और जो इसके ऊपर था, दोनों को इकट्ठा कर देना है। और देखिए, घर से बाहर तो अभी नहीं जा सकते, ना ही गाड़ सकते हैं कहीं पे, तो घर के बाहर फेंक देना है, जहाँ पे कूड़ा कबाड़ा हो वहाँ पर फेंक देना है, जहाँ पे कूड़ा कबाड़ा हो वहाँ पर इसको आप फेंक देंगे। ठीक है, पहले इनको फेंक देंगे। ये उपाय आप करेंगे बुधवार को या फिर शुक्रवार को, इन दोनों में से एक एक दिन किसी भी समय कर सकते हैं। ठीक है, जब आप फेंक देंगे, फिर इतना हिस्सा जो है, इतना हिस्सा फाड़ देंगे, इतना हिस्सा अलग कर देंगे, इतना हिस्सा अलग कर देंगे, और जो जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं उसको अलग कर देंगे। फिर इतना हिस्सा करने के बाद ये जो लिखा है आपने, एक बार पढ़ेंगे, तेज आवाज में थोड़ा पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ना है पूरा का पूरा, ऊपर से नीचे तक। फिर इसको अग्नि को शमन कर देंगे, इतने हिस्से को, इतने हिस्से को अग्नि को शमन कर देंगे आप, यानी कि जला देंगे वहीं पे जहाँ पे आपने रखा था इसको। जलाने के बाद जो भी इसकी झाड़ू राख बनेगी, उसको झाड़ू से आप बाहर निकाल देंगे। जब बाहर निकाल रहे होंगे तो यही सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति को इसकी ज़िंदगी से बाहर निकाल रहे हैं आप, झाड़ू से जब इसको बाहर निकाल रहे होंगे राख को, तो ऐसे सोचते हैं, पूरा ध्यान लगा देंगे। फिर ये जो ये व्यक्ति है, इसका क्या करना है, इस कागज़ का, इस कागज़ का आप घर पे भी रख सकते हैं, संभाल के रखना चाहें, बटवे में रखना चाहें बटवे में रख सकते हैं, जब तक ये वापस नहीं आ जाता आपके पास। या आप चाहते हैं, यदि आप नहीं रख पा रहे हैं ताकि जो भी है प्राइवेसी की वजह से, तो किसी भी पेड़ के नीचे आप इसको रख के आ सकते हैं, हाथ जोड़ के वापस आएंगे पेड़ पे कि मेरी मदद करें इस उपाय को पूर्ण करने में, यानी कि पूरा करने में, या फिर घर पे ही रखें अपने इसको साफ सुथरी जगह पे, जब तक वापस नहीं आ जाता। जब वापस आ जाएगा ये व्यक्ति, उसके बाद 10-12 दिन बाद इसको आप पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। तो ये उपाय आप करके देखेंगे, इसमें आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और याद रखिएगा कि गुठली वाला ही होना चाहिए जो फल हमने बताया है, बुधवार या शुक्रवार में से किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं। तो बंधु, यदि हमसे जुड़ना है तो हमने आपको बता दिया, ये उपाय भी आप करके देखिए, इसमें यदि लाभ मिलता है तो इसका मतलब समझ जाइए आपके ग्रह नक्षत्र सटीक बैठ गए हैं इस उपाय से। यदि नहीं बैठ पा रहे हैं तो आपको हम उपाय बताएंगे इसी तरीके से जैसे कि हमने बताया है। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मगर वीडियो देखते हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमको सानू हमको मिलता है, उत्साह मिलता है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।